तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि एंजाइम के इनएक्टिवेशन को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग तो मतलब क्या है कि जो एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन है उसका कन्वर्ट हो जाना अमोनिया के अंदर एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज नहीं कर सकते तो इसको यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये जो कैपेबिलिटी होती है 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 ये ये जो फिक्सेशन होता बायोलॉजिकल तरीके से भी हो सकता नॉन बायोलॉजिकल तरीके से भी हो सकता है बट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिर्फ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा अब जो ऑर्गेनिज्म रिस्पांसिबल है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए वो होते हैं प्रोकैरियोट्स अब कैसे प्रोकैरियोट्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होता है एंजाइम नाइट्रोजिनेज जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है नाइट्रोजन के रिडक्शन की तो अब कुछ प्रोकैरियोट्स हमारे सिंबायोटिक होंगे कुछ एसइमबायटिक होंगे सिम्बायटिक मतलब जो सिम्बायटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके नाइट्रोजन को फिक्स कराते हैं एसइमबायटिक या हम दूसरे को हम एसइमबायटिक या फ्री लिविंग भी बोल सकते हैं अब यहाँ पे ये जो एंजाइम नाइट्रोजिनेस है इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं तो ये सेंसिटिव एंजाइम है किसके लिए ऑक्सीजन के लिए नाइट्रोजिनेस इज हाइली सेंसिटिव टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन अब इसको हमें ऑक्सीजन से प्रिवेंट करना है कैसे प्रिवेंट करेंगे तो इसको प्रिवेंट करने के 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 लिए लिए बचाने अंदर प्रेजेंट होता है एक ऑक्सीजन स्क्वेंजर अब ये ऑक्सीजन स्क्वेंजर क्या है लैग हीमोग्लोबिन लैग हीमोग्लोबिन जो कि इस एंजाइम को नाइट्रोजीनियस एंजाइम को प्रिवेंट करेगा बचाएगा ऑक्सीजन की पॉइनिंग हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं जो के इनएक्टिवेशन को रोकता है ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर